फिलिस्तीनी हमदर्दों के घरों पर चलेगा बुलडोजर, क्योंकि इजरायली सरकार ने अपना लिया है योगी मॉडल। जी हाँ, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी एक अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। चाहे यूपी में कानून की बात हो या फिर अपराधी और दंगाइयों पर एक्शन को लेकर, सीएम योगी अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। इन दिनों अपराधियों से निपटने के लिए योगी मॉडल देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में प्रसिद्ध हो चुका है। यूपी की कानून व्यवस्था में रत्ती भर भी लापरवाही सीएम योगी बर्दाश्त नहीं करते। सूबे में तो अब ये हाल है कि अपराधी खुद थाने में जाकर आत्मसमर्पण करते हैं। सीएम योगी ने अपराधियों से निपटने के लिए प्रशासन को एक फॉर्मूला बताया। उस फॉर्मूले के आधार पर दंगाई और बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, क्योंकि योगी का साफ कहना है कि अगर कोई कानून को हाथ में लेता है और दंगा फैलाता है तो उसके घर पर तत्काल बुलडोजर चलेगा। सोशल मीडिया पर भी कई ऐसे वीडियो सामने आ चुके हैं। सीएम योगी की बुलडोजर की कार्रवाई ने देश भर में हलचल मचा रखी है। जनता का भी इस कार्रवाई पर भरपूर सहयोग मिलता है। यूपी में अगर कोई गुंडाई और दंगा करता है तो उसके घर पर बुलडोजर चलवाकर उसे नेस्त नाबूद करवा दिया जाता है। लेकिन अब योगी का बुलडोजर एक्शन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी चर्चा में है, क्योंकि अपराधी और दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई का योगी मॉडल अब इजरायली सेना ने भी अपना लिया है। इसके चलते बुलडोजर एक्शन का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया है। दरअसल यरूशलेम के नेवे यकोम में एक पूजा स्थल के पास 27 जनवरी को अंधाधुंध फायरिंग हुई थी। इसमें 7 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग घायल हुए थे। इस हमले के बाद इजरायल के लोगों की सुरक्षा को लेकर नेतन्याहू सरकार ने दो बड़े फैसले लिए। सबसे पहला तो ये कि इसके तहत अब इजरायल में हथियार रखने से जुड़े कानूनों में ढील दी जाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने पास हथियार रख सके। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का समर्थन करने वालों से अतिरिक्त कीमत वसूलने के लिए संदिग्धों के घरों को सील कर उन्हें जमींदोज कर दिया जाएगा। उनके कार्यालय ने बाद में ये भी कहा कि हमलावरों के परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ भी रद्द कर दिए जाएंगे। उनकी इस घोषणा के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की अगले सप्ताह की यात्रा पर संशय के बादल मंडराने लगे हैं, तथा इस इलाके में तनाव और बढ़ने की आशंका पैदा हो गई है। जनवरी 2023 हाल के वर्षों में पश्चिमी तट और पूर्वी यरूशलेम में सबसे खूनी महीनों में एक रहा है। सुरक्षा मामलों में नेतन्याहू की मंत्रिमंडलीय समिति ने गोलाबारी की दो घटनाओं के मद्देनजर सरकार के दंडात्मक कदमों को मंजूरी दी है। इनमें से एक हमला शुक्रवार रात को हुआ था, जब पूर्वी यरूशलेम के एक उपासना स्थल के बाहर गोलाबारी में 7 लोगों की जान चली गई थी। नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि इस समिति ने हमलावरों के मकानों को ध्वस्त करने से पहले उन्हें सील करने की मंजूरी दी। सरकार ने हमलावरों के परिवारों को हासिल सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य लाभ भी रद्द करने, इजरायलियों के लिए हथियार प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाने और अवैध हथियारों को जब्त करने के प्रयासों में तेजी लाने की भी योजना बनाई है। अमेरिका ने इजरायल के इन कदमों पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने गोलीबारी की निंदा की, लेकिन वो पूर्वी यरूशलेम और पश्चिमी तट पर यहूदी बस्तियों के निर्माण के खिलाफ है। लेकिन जिस तरह से इजरायल ने अपने देश में योगी मॉडल को अपनाया, उसकी चर्चा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है और लोग बोल रहे हैं कि छा गए योगी बाबा, और उनका बुलडोजर तो छा ही रहा है। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।